guys, welcome back to my channel. I'm Akansha and today I'm here with another video जो कि है एक special video. So yeah, जैसे कि मैंने आप सबको promise किया था कि मैं बहुत ही जल्दी कुछ अच्छी videos लेकर आने वाली हूँ. Basically आज की जो videos है आज से मैं शुरू कर रही हूँ होली की एक festive series. So अब आने वाले videos में जो भी collection आपको मिलेंगे ये festive collections होंगे, होली से related, you know, बहुत सारे colorful collections होंगे. Fabric ऐसा होगा जो समर्स के लिए, यू नो, स्प्रिंग सीजन के लिए सूटेबल होगा. सो आने वाली सारी वीडियोस में और आज की वीडियोस में आपको कलरफुल यू नो कलेक्शंस विद समर स्पेशल फैब्रिक मिलेगा, एज वेल एज वेडिंग कलेक्शन भी होगा. इसको आप पार्टीज और वेडिंग्स में भी इंक्लूड कर सकते हो. सो होपफुली ये कलेक्शन और ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है. सो इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज देन गिव द थम्स अप टू दिस वीडियो. और अगर आप ये सीरीज आगे कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी इस सीरीज से रिलेटेड या जो भी वीडियोस होंगी उन सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. एंड कीप चेकिंग द कम्युनिटी पोस्ट, कुछ ना कुछ स्पेशल आता रहेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो आज का जो कलेक्शन है ये है मीशो का कुर्ती हॉल कलेक्शन. सो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी कुछ पाकिस्तानी कुर्तियां, कुछ कप्तान का कलेक्शन, कुछ चिकनकारी का कलेक्शन. एंड यस, डिलीवरी की प्रॉब्लम अभी भी है, डिलीवरी बहुत डिले हो रही है, दैट्स व्हाई वीडियोस भी डिले हो रही हैं. तो जैसे जैसे यू नो ये सारे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे कुर्तीज़ और जो भी वीडियोस मुझे बनानी है उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं मैं फटाफट से रिव्यू करती जा रही हूँ. मैं बहुत लंबा वेट नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियोस बहुत डिले होंगी. अगर मैं एक साथ क्लब करके सारी की वीडियोज़ बनाऊंगी तो मैं फटाफट सारी वीडियो शूट करती जा रही हूँ. सो आज की इस वीडियो में जो भी कलेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है ₹399 से. एंड फर्स्ट कुर्ती जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम मीशो. ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉपी कलर की यू नो स्प्रिंग स्पेशल एक कप्तान है. सो गाइज ये एक येलो कलर का, पॉपी येलो कलर का, यू नो जैसा एक बहुत ही ब्राइट सा येलो आता है ना, वैसा येलो कलर का ये कप्तान कुर्ती है. ये क्रेप का फैब्रिक है. लेट मी टेल यू, मैं भी क्रेप के फैब्रिक को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हूँ. कई बार मुझे समझ नहीं आता कि कैसा फैब्रिक होगा, चिकना वाला होगा, सैटिन काइंड ऑफ होगा, कैसा होगा, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ. सो मैं आपको बता दूँ कि ये क्रेप का फैब्रिक है एंड इट्स वेरी मच सिमिलर टू यू नो रेयॉन काइंड ऑफ फैब्रिक, उस टाइप का फैब्रिक है. बट इट्स वेरी कंफर्टेबल लाइक कॉटन, सो इट्स वेरी सॉफ्ट एंड आपका बॉडी शेप ले लेने वाला फैब्रिक है. बहुत ही खूबसूरत सी ये कुर्ती है, आप देख सकते हो दिस इज द कप्तान. इस पर टाई डाई का वर्क हो रखा है. दिस इज फ्रॉम ब्रांड मायसा एंड ये आप देख सकते हो. एंड ये 4XL साइज मैंने परचेज किया है. एंड ये जो मैन्युफैक्चरर है ये है फ्रॉम जयपुर, जयपुर से आई हुई है ये कुर्ती. इसका फैब्रिक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, स्पेशली फॉर समर्स एंड स्प्रिंग्स. बहुत ही कंफर्टेबल है. इस पर टाई एंड डाई का वर्क हो रखा है एंड ये आपको लेंथ मिलेगी. ट्राई ऑन में आप इसको देखोगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल वन. इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मैं कोड मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट जब आप वो कोड मेंशन करोगे एंड मीशो का कैटलॉग जब ओपन होगा तो उसमें और भी कलर ऑप्शंस आ जाएंगे. सो अगर अभी तक आपने मीशो ऐप डाउनलोड नहीं भी किया है तो मैं अपना एक इन्विटेशन कोड मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप उस कोड के थ्रू भी मीशो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज आप मीशो की वेबसाइट के थ्रू भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो. So if you are looking for something for this festive season, you know, होली जिसमें हम usually green, yellow, pink इस टाइप के कलर्स पहनते हैं. white is my favorite for होली. होली खेलते समय नहीं बट शाम के टाइम जब हम तैयार होते हैं होली मिलन के लिए लोगों के घर में जाते हैं तो white is my favorite one. And ये कुर्ती बहुत खूबसूरत लगने वाली है और बहुत comfortable होने वाली है. So मेरी तरफ से specially recommended है कुर्ती. From my side there is a big 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 thumbs up for this कुर्ती. You should definitely go for this one. सो गाइज इस कुर्ती के साथ मैंने वियर किया हुआ है वाइट कलर का एक चिकनकारी पैंट जो मैंने परचेज किया हुआ है मीशो के थ्रू, जिसका हॉल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. साथ ही मैंने जो जूती वियर की हुई है ये मैंने परचेज की हुई है मिंत्रा के थ्रू, जो है एक पंजाबी जूती ब्रांड अनोखी. और ज्वेलरीज जो मैंने पहनी हुई है, नेक पीस मैंने परचेज किया हुआ है मीशो के थ्रू और कान में जो इयर रिंग्स मैंने पहनी हैं ये इयर पीस मैंने परचेज किया हुआ है मिंत्रा के थ्रू.
तो ये था ओवरऑल लुक। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पाकिस्तानी यू नो स्टाइल का एक कुर्ता सेट। लेट मी टेल यू, ये स्टिच नहीं आया था साइज के अकॉर्डिंगली, प्लस साइज में जो मैंने देखा था सेमी स्टिच्ड अवेलेबल था, इसे मैंने स्टिच करवा दिया है। सो मैं क्लिप साइड में अटैच कर दूंगी कि ये किस तरीके का आया था, सो विल गेट द आइडिया। इसे मैंने स्टिच करवाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा थ्रेड वर्क और सीक्वेंस वर्क हो रखा है। यहाँ पर नॉट दी हुई है टाई करने के लिए, ये आई थिंक आपको अपने टेलर को बोलनी होगी बनाने के लिए। एंड स्लीव्स आप देख सकते हो, स्लीव में कोई भी अस्त्र लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसकी जो खूबसूरती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा बेल स्लीव्स नहीं बनाई है मेरे टेलर ने, अगर आपकी कुर्ती में स्कोप है तो आप इसको बेल स्लीव्स भी बनवा सकते हो। ये बेसिकली नेट का फैब्रिक है जहाँ जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको एक लेस पैटर्न मिल रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड लेस पैटर्न। इस पूरी नेट पे आपको इस तरीके का सीक्वेंस का वर्क मिलेगा। एंड दिस इज द यू नो शाइनी वाला, जैसे पिंक सिल्वर इस तरीके की शाइनिंग में ये सीक्वेंस मिलेगा आपको। बाकी दिस इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द कुर्ती, गले के साथ साथ पूरे नेट पर आपको इस तरीके से ये सीक्वेंस का वर्क मिलेगा, यहाँ पर पूरे 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 नेट पर। एंड ऊपर ये लेस वर्क मिलेगा, यहाँ पर लेसेस लगी हुई हैं, नीचे के बॉर्डर पे भी आपको ये इस तरीके का चौड़ा सा लेस वर्क मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पर बहुत खूबसूरत सी। अंदर ये तो हो गया लेस आपका नेट का कपड़ा, अंदर का जो अस्तर लगा हुआ है ये एक सैटिन का कपड़ा है, इस तरीके का एक कलरफुल कपड़ा जो इस कुर्ती के साथ अलग से आया हुआ था वो आप अंदर लगवाओगे तो इस तरीके का लुक आएगा, फ्लावर काइंड ऑफ। सो अगर आप किसी यू नो स्पेशली होली के लिए या फेस्टिव सीजन के लिए कुछ कलरफुल देख रहे हो, स्पेशली समर्स में ना क्या होता है कि आपको प्रेफर करने चाहिए लाइट कलर के कपड़े। सो लाइट कलर के कपड़े में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती अंदर और बहुत अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। सो ये होली के लिए मुझे एक परफेक्ट ड्रेस लगी, एज वेल एज ये इतना खूबसूरत कुर्ता सेट है कि ये इसे आप वेडिंग में भी पहन सकते हो, दिस इज फॉर वेडिंग पर्पस ऑल्सो। ये एक हैवी वर्क का कुर्ता है। सो अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक के लिए तो मैं इसे नहीं प्रेफर करूंगी समर्स के लिए, बिकॉज नेट है, सैटन है। बट अगर आप फेस्टिव लुक क्रिएट करना चाहते हो किसी यू नो स्पेशली फेस्टिवल्स के लिए परचेज करना चाहते हो या वेडिंग के लिए किसी पार्टी के लिए, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। सो ये इसका कुर्ता हो गया, ट्राई ऑन आप जरूर देखना तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। सो गाइस, कुर्ते और लाइनिंग के कपड़े के साथ एक पैंट का भी कपड़ा आया हुआ था इस तरीके का सैटन का। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा है, बट क्वालिटी के अकॉर्डिंगली इट्स गुड, प्राइस के अकॉर्डिंगली इट्स टू गुड। एंड ये इलास्टिक पैंट मैंने बनवाई है इसके साथ, यहाँ पर ये लेसेस आ जाएंगी, लेस अलग से मिली हुई थी जो आपको बॉटम में लगवानी पड़ेगी। थिंग इज कि यहाँ पर ना ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है साउथ में इस तरीके का, स्पेशली तमिलनाडु में ऐसी ड्रेसेस पहनने का, तो टेलर्स को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, हमें उन्हें बहुत समझाना पड़ता है और लैंग्वेज का भी इशू होता है कई बार समझाने में। तो ये लेसेस आप ऐसे मत लगवाना, इस लेस को नीचे की तरफ लगवाना है जहाँ से बॉटम का कपड़ा खत्म हो रहा है, वहाँ से सिर्फ लेस आएगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड ट्राई ऑन में आप देख लोगे कि इसका लुक कैसा आ रहा है। सो दिस इज द पैंट का कपड़ा, सो कुर्ता लाइनिंग पैंट का कपड़ा, ये चीज़ें आएगी साथ में। साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा आया हुआ है, दुपट्टा आप देख सकते हो, आई थिंक ये जॉर्जेट का दुपट्टा है। यहाँ पर आपको ऐसा फ्लावर वर्क मिलेगा दुपट्टे में और बहुत बहुत खूबसूरत सी ये लेस है वाइट कलर की, पूरे दुपट्टे पे इस तरीके का लेस मिलेगा आपको। लेट मी शो यू, ये कंप्लीट दुपट्टा आपको प्लेन मिलेगा यहाँ तक मिडल पोर्शन में, और साइड साइड में आपको ये फ्लावर्स और ये लेस का वर्क मिलेगा। सो इस सूट के साथ साथ इसका दुपट्टा भी बहुत बहुत खूबसूरत है गाइस। सो इस सूट के साथ साथ इसका जो कुर्ते का जो कपड़ा है इसके साथ साथ इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। आप चाहो तो इसको विदाउट दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो, इसके दुपट्टे को भी आप किसी कुर्ती के यूज में ले सकते हो या किसी भी सूट के साथ इसको आप यूज कर सकते हो। एंड यू वोंट बिलीव, इस पूरे कपड़े का जो प्राइस था वो था जस्ट 980 रुपीज़। 980 रुपीज़ में कुर्ते का कपड़ा विद
कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस वर्क विद सेटिंग लाइनिंग, पैंट का कपड़ा, पैंट के लिए लेस का बॉर्डर एज वेल एज दुपट्टा, ये सारी चीजें आई हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो आप इसे घर पे स्टिच कर सकते हो बिकॉज ये सेमी स्टिच आया था, बट पैंट आपको टेलर से बनवानी पड़ेगी बिकॉज पैंट का कपड़ा प्लेन आया था पूरा। एंड इफ इन केस आपके पास इससे यू नो मैच करती हुई कोई पैंट है तो उसे भी आप लगा सकते हो। सो फ्रॉम माई साइड देर इज अ बिग थम्स अप फॉर दिस दिस कुर्ता सेट बिकॉज ये पार्टी वियर भी है, अफोर्डेबल भी है और देखने में अलग सा लुक दे रहा है, बहुत ही यूनिक सी डिजाइन लग रही है। सो जैसा ये मुझे कैटलॉग में दिख रहा था वैसा ही है, और अगर आप प्लस साइज में नहीं हो, नॉर्मल साइज में हो, तो इसको और भी ज्यादा यू नो एकदम पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा सा लूज कुर्ता, लूज बेल स्लीव जिस तरीके से भी बनवा सकते हो। सो गाइज, इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जो ज्वेलरी वियर की है ये परचेज़ की है मैंने मीशो के थ्रू, जो नेक पीस है, और कान में जो मैंने झुमका वियर किया हुआ है ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया हुआ है जो है ब्रांड पनाश का, और ये वॉलेट मैंने मीशो के थ्रू ही कैरी किया हुआ है जो क्लच पैक है, और साथ में मैंने एक मल्टी कलर की जूती वियर की हुई है जो मैंने परचेज़ की हुई है फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो है ब्रांड आनव फैशन की, जो ही बहुत ही कम्फर्टेबल जूती है। और साथ में मैंने जो रिंग्स कैरी की हुई हैं हाथ में, जो भी रिंग्स वेयर की हुई ये सारी मिंत्रा के थ्रू हैं। ओके गाइस, सो आप लोगों में से जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हो, ऑलरेडी मेरे चैनल पर हो, आप लोग आपको पता होगा मैंने बहुत बार बोला है कि होली पे मैं प्रेफर करती हूँ चिकन वर्क के कपड़े पहनना। हमारे क्या एक शुरू से एक ट्रेडिशन सा चला आ रहा है कि सब लोग यू नो होली पर चिकनकारी वर्क का ही कुछ पहनते हैं, आइदर इट्स मम्मी पापा भाई बहन सब लोग वैसा ही पहनते हैं। सो स्पेशली होली के लिए मैंने एक चिकन वर्क की बहुत खूबसूरत सी कुर्ती मंगाई है। ये एक अनारकली कुर्ती है चिकन वर्क की, वाइट कलर की आप देख सकते हो, इसमें बहुत बहुत ही प्यारा चिकन वर्क हो रखा है, थ्रेड वर्क हो रखा है। ये आपको स्लीव्स मिलेगी, फुल स्लीव्स है इस तरह की, एंड नीचे ओके चिकन वर्क के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रोशिया का वर्क हो रखा है, बहुत प्यारा क्रोशेट वर्क हो रखा है, क्रोशेट वर्क यहाँ के साथ साथ नीचे बॉटम में भी हो रखा है क्रोशिया का वर्क, इसको क्रोशेट वर्क भी कहते हैं। ये पूरी घेर वाली अच्छी खासी घेर की एक अनारकली कुर्ती है वाइट कलर की, जो बहुत बहुत खूबसूरत है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप भी यू नो चिकनकारी लवर हो तो आपने भी बहुत सारा सर्च किया होगा, ऑनलाइन चेक किया होगा, मैंने भी ऑनलाइन बहुत सर्च किया, बहुत सारी साइट इंस्टा एवरीवेयर आई हैव चेक, और चिकनकारी के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थे। इस तरीके की कुर्तियाँ तो मुझे 2000 से नीचे की रेंज में दिखी ही नहीं, तो उस हिसाब से मुझे मीशो पे ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया। सो मैंने फटाफट से इसको परचेज कर लिया, ये मुझे मिला है 980 रुपीज़ में। जो कफ्तान था उसका साइज मैंने 4XL लिया था, आई थिंक इसका भी मैंने 4XL ही लिया था। सो गाइज, इस कुर्ती में आपको 4XL, 5XL, 6XL अवेलेबल मिल जाएगा प्लस साइज में, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरा जो साइज लगता है उससे मैंने दो साइज ऊपर प्रेफर किया है इंच वाइज अगर देखा जाए तो, मैंने ये 4XL लिया हुआ है अपने बस साइज से, दो साइज ऊपर मैंने पिक किया था साइज चार्ट के अकॉर्डिंगली। सो अगर आपको 4-6 बस्ट लगता है सो यू कैन गो फॉर 4XL, उसी के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि आपको क्या साइज लगेगा। सो ये इसके साथ आपको इनर या तो लेनी पड़ेगी या बनवा सकते हो, या कोई भी कॉटन का या यू नो कोई भी कैमिसोल वाइट कलर का इसके साथ आप अंदर लगा सकते हो। इसके साथ ये दुपट्टा भी आया हुआ था, एंड इस पूरे दुपट्टे पे, ये दुपट्टा भी जॉर्जेट का दुपट्टा है, एंड इस पे भी आपको बहुत हैवी नहीं बट हाँ छोटी छोटी बूटियाँ और इस टाइप की लाइनिंग मिल जाएगी दुपट्टे पे, पूरे दुपट्टे पे ऐसी छोटी छोटी लाइनिंग मिल जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू आप ये दुपट्टा कैरी करना चाहते हो नहीं। सो ये कुर्ता और ये दुपट्टा ये दोनों मिला के मुझे 913 रुपये में, 913 रुपीज़ में मिला था, और 913 रुपये में अगर इतना प्यारा सा अनारकली वो भी प्लस साइज में आपको मिल रहा है तो दिस इज द बेस्ट बाय। क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है, साइज इसका बहुत अच्छा है और पहनने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अनारकली इन अफोर्डेबल रेंज यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन फ्रॉम माई साइड दिस अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट बिकॉज इस रेंज में आई एम टेलिंग यू आपको ऑनलाइन अनारकली नहीं मिलेगी जल्दी से, जो भी मिलेगी थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। सो अगर अनारकली मंगाई है तो प्लाजो तो मंगाना ही था, तो प्लाजो भी मैंने एक जॉर्जेट का मंगाया हुआ है,
ये आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई। तो गाइज जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि बॉटम वियर स्पेशली अगर आप मीशो से परचेज कर रहे हो तो आपको साइज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसका जो साइज मेंशन था वेस्ट 46 वेस्ट था, मुझे 36 या 38 वेस्ट आराम से लग जाती है, तो मैंने इसको 46 वेस्ट ऑर्डर किया है। सो आप समझ सकते हो उस अकॉर्डिंगली आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आपको अगर 28 वेस्ट लगती है तो आप 38 ऑर्डर करो, इस तरीके से करके आप चेक करके ऑर्डर कर सकते हो। और ये मुझे अच्छी फिट आ रही है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। लेट मी टॉक अबाउट द अस्तर का कपड़ा, अस्तर का कपड़ा भी अच्छा है, बहुत वाव नहीं है बट अच्छा कपड़ा है। एंड ये इसका घेर है, जैसा कि पिक्चर में था उतना घेर तो नहीं दिखेगा बट हाँ अच्छा खासा घेर है, फ्लेयर्ड है प्लाजो, और इस पर पूरा चिकनकारी का वर्क हो रखा है वाइट कलर में, बहुत ही खूबसूरत सा दोनों ही साइड में। सो बात करें अगर प्राइस की तो ये प्लाजो मुझे मिला है 596 रुपीज़ में, एंड ऑनलाइन के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली इट्स अ गुड प्राइस। इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा 596 रुपीज़ में कोई भी जॉर्जेट का प्लाजो, फ्लेयर्ड प्लाजो, वो भी चिकनकारी के वर्क के साथ। बट डेफिनेटली अगर आप लोकल मार्केट की बात करो, जैसे मैं लखनऊ में रही हूँ बहुत सालों तक, तो मुझे कभी कभी लगता है कि एक्सपेंसिव है, बट लोकल मार्केट से तो हर कोई जाकर ले नहीं सकता लखनऊ जा करके। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यस, डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं यहाँ तक सामान आने में, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो उस अकॉर्डिंगली घर बैठे अगर आपको 596 रुपीज़ में जॉर्जेट का बहुत प्यारा सा यू नो एक बॉटम वेयर मिल रहा है, वो भी चिकनकारी वर्क के साथ, खूबसूरत वर्क के साथ, अच्छी फिटिंग के साथ, तो आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग, यू शुड गो फॉर दिस, देयर इज़ अ बिग थम्स अप। सो गाइज बहुत सारे वाइट वाइट कपड़े लिए, आई मीन वाइट कुर्ती और वाइट प्लाजो, सो वाइट के साथ यू नो कलरफुल फेस्टिवल है होली, और ये होली की सीरीज है स्पेशली, सो एक कलरफुल कुछ लुक देना चाहिए ड्रेस को। और स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे हिंदू रिलीजन में अच्छा नहीं मानते सिर्फ वाइट कलर के कपड़े पहनना शादी के बाद, स्पेशली मम्मी लोग टोका करती हैं, तो इसके लिए आप इसको एक कलरफुल सा बहुत प्यारा सा लुक दे सकते हो इस तरह के दुपट्टे के साथ। इस दुपट्टे का लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी, सो आप अगर चाहो तो ये दुपट्टा भी परचेज कर सकते हो। ये एक बंधेज का दुपट्टा है, लेट मी शो यू, इट्स अ फोल्ड, इस तरीके की चौड़ाई मिलेगी। अब इसको मैंने आयरन नहीं किया, आप इसको आयरन भी कर सकते हो। टाई एंड डाई का ये बंधेज का दुपट्टा है, पूरा ब्यूटीफुल से कलर में, इसमें आपको बहुत कलरफुल यू नो पॉपी कलर्स मिल जाएंगे, इसमें ब्लू, मैजेंटा, येलो, ग्रीन, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है। और इस दुपट्टे को आप ऐसे किसी भी वाइट कुर्ते के साथ लगा सकते हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है, पूरा लुक जो होता है ना कुर्ते का वो चेंज कर देता है, एक ग्लो आ जाता है कपड़े में, ड्रेस में थोड़ी ब्राइटनेस सी आ जाती है। सो अगर आप बहुत सोबर पहनना चाहते हो तो आप वाइट दुपट्टे के साथ पहन सकते हो, बट स्पेशली अगर आप होली के लिए पहन रहे हो या थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा पॉपी सा लुक चाहिए, थोड़ा कलरफुल लुक चाहिए, थोड़ा सा चुलबुला दिखना चाहते हो आप इन कपड़ों में, तो आप इस तरीके का कोई भी दुपट्टा लगा सकते हो, तो थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगेगा और थोड़ा सा उभर कर आएगा जो जो भी कुर्ती या कुर्ता आपने पहना है। सो इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप चाहो तो इस तरीके का दुपट्टा परचेज कर सकते हो। ये दुपट्टा मुझे मिला है 399 में, आई थिंक इसके साथ डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होंगे, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक। सो इस लुक में मैंने अनारकली के साथ एक प्लाजो, फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट वेयर की हुई है। आप अगर चाहो तो इसमें कोई भी पैंट या चूड़ीदार पैजामा लगा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चिकनकारी भी, कोई भी वाइट पैजामा या पैंट आप लगा सकते हो। इसमें जो मैंने ज्वेलरीज वेयर की हुई हैं ये मीशो और मिंत्रा के थ्रू हैं, और ये पोटली बैग मैंने परचेज़ की हुई है मीशो के थ्रू। साथ में मैंने एक मल्टी कलर की मोजरी पहनी हुई है, पंजाबी जूती, जो मैंने परचेज़ की हुई है फ्लिपकार्ट के थ्रू। और ये बंधेज का दुपट्टा मैंने परचेज किया हुआ है अमेजोन के थ्रू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, सो यू कैन चेक। सो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाइट, इसके साथ और भी किसी कलर का आप प्लाजो वेयर कर सकते हो, लाइक अगर आप चाहो तो रेड कलर का या कोई भी मल्टी कलर का पैंट या प्लाजो आप लगा सकते हो। सो इस पूरे कलेक्शन में दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट, और ये एक यू नो क्वालिटी प्रोडक्ट है। दिस इज अनदर पाकिस्तानी कुर्ती, आप देख सकते हो ये पिस्ता ग्रीन कलर की कुर्ती है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये शिफॉन के कपड़े पे है, तो शिफॉन का कपड़ा तो वैसे ही इटसेल्फ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है,
इस कुर्ती की खासियत मैं आपको पहले बता दूँ, इसको जब आप पहनोगे ना ये इतना खूबसूरत सा बॉडी शेप ले लेती है, ऐसा लगता है कि आप ही के लिए बनी हुई हो, इतनी प्यारी लगती है कुर्ती पहनने पे। ये नेक के पोर्शन पे आप देख सकते हो पूरा क्रोसेट का वर्क हो रखा है, क्रोशिया का काम हो रखा है कंप्लीट नेक वर्क में, इसके यहाँ तक चेस्ट तक पूरा 3/4 इसकी स्लीव्स मिलेगी, फुल स्लीव्स एंड यहाँ पर भी आपको क्रोसेट का वर्क मिलेगा। पूरी कुर्ती पे कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी है और इस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपको मिरर का वर्क भी मिलेगा कुर्ती पे, जो कि फॉयल मिरर नहीं है, इट्स अ रियल मिरर। सो गाइज ये कंप्लीट मिरर का वर्क मिलेगा, इट्स अ मिरर वर्क, इट्स नॉट फॉयल मिरर, नॉट एट ऑल, इट्स अ रियल वाला मिरर है। और आप देख सकते हो इस पे कितना ब्यूटीफुल सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है, कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी, और नीचे बॉटम में भी आपको इस तरीके से पूरा क्रोसेट वर्क मिलेगा। एंड सो इस कुर्ती में आपको फ्रंट के साथ साथ बैक में भी ये पूरा डिज़ाइन मिलेगा, ये देख सकते हो बैक में भी क्रोसेट का वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, और बैक में इस तरीके का आपको बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी मिलेगा, और बैक में भी नीचे बॉटम में आपको ये बॉर्डर मिलेगी, नीचे बॉटम में आपको लेस का वर्क मिलेगा, यहाँ नीचे बॉटम में आपको ये लेस का वर्क मिलेगा कंप्लीट लेस का। ये फुल लेंथ की लॉन्ग कुर्ती है, इस कुर्ती में आपको बहुत बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड लेट मी टेल यू ये कुर्ती आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिली, मुझे ये पाकिस्तानी कुर्ती सिर्फ एक ही यू नो शॉप के थ्रू मिली है। ये इस कुर्ती मैंने स्पेशली मंगवाई है गाइस लखनऊ से, लखनऊ के अपैरल स्टोर से, देयर इज़ अ स्टोर इन लखनऊ, जो लोग लखनऊ से हैं वो स्टोर भी विजिट कर सकते हैं, इट इज़ इन जानकीपुरम सहारा स्टेट में ये स्टोर है। स्टोर का नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड एड्रेस मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक। क्वालिटी वाइज इट्स सो ऑसम, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका फैब्रिक नो डाउट सुपर्ब है और बहुत हैवी वर्क है। ये एक ऐसी कुर्ती है अगर इसके साथ आप एक बहुत अच्छा सा हैवी सा दुपट्टा कैरी करते हो तो इसको आप वेडिंग वेयर में भी पहन सकते हो, वैसे भी इसे आप वेडिंग वेयर में पहन सकते हो, स्प्रिंग्स के लिए, समर्स के लिए, और स्पेशली मेरी फेवरेट फेस्टिवल होली के लिए दिस इज़ द बेस्ट वन। सो आई एम टू मच इम्प्रेस्ड विद दिस कुर्ती, आई वॉज वरीड कि क्वालिटी कैसी होगी बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट जब ये कुर्ती आई है और आई एम टेलिंग यू जब मैंने इसे पहना है इट्स अ वर्थ बाइंग गाइस। सो ये कुर्ती मुझे मिली हुई है 2850 रुपये की। अगर आप ऐसी कुर्ती लेना चाहते हो आप इनके पेज को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो अपैरल स्टोर को, एज वेल एज आप इनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको इन कुर्तियों में, वो कलर्स वो डिज़ाइंस भी आप देख सकते हो, सो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। सो इस ब्यूटीफुल पाकिस्तानी क्रोशिया वर्क कुर्ती को मैंने वेयर किया हुआ है रेड कलर के प्लाजो के साथ, आप अगर इसके साथ कोई भी रेड कलर का चिकनकारी प्लाजो या रेड पैंट भी लगाते हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा। साथ में मैंने कुछ फैंकी ज्वेलरीज कैरी की हुई है मीशो के थ्रू, जो कि एक बहुत ही कलरफुल ज्वेलरी है, एक पॉपी कलर की ज्वेलरी है जिससे इस कुर्ती की खूबसूरती निखर के आ रही है। साथ में मैंने एक क्लच बैग कैरी किया हुआ है जो मैंने परचेज़ किया हुआ है मीशो के थ्रू। ये जूती जो मैंने साथ में लगाई है इसको मैंने परचेज़ किया हुआ है हाउस ऑफ पटौदी से मिंत्रा के थ्रू। इस कुर्ती को मैंने दो अलग अलग लुक के साथ क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट लुक में आपको ये फंकी ज्वेलरीज के साथ मिलेगी जिसमें मैंने एक वाइट पैंट भी वेयर की हुई है जो कि एक चिकनकारी पैंट है, सो आप इसको इस तरीके से भी वेयर कर सकते हो सेमी यू नो पार्टी वेयर में। अगर फुल पार्टी वेयर चाहिए तो आप इसको लगा सकते हो रेड कलर के प्लाजो के साथ। सेकेंड लुक में आप देख सकते हो इस अटायर को मैंने वेयर किया हुआ है कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ, जिसके साथ भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। सो इट्स ऑल अप टू यू, जैसा लुक आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही, होपफुली ये कलेक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बहुत खोज खोज के चुन चुन के एक एक चीज़ें परचेज की हैं, ये कलेक्शन इकट्ठा किया है स्पेशली होली के लिए, फेस्टिवल्स के लिए। डिलीवरी लेट है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है चीज़ें आने में,
सो जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वीडियोस बनाती जाऊँ. सो और भी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियो लाइंड अप हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये कलेक्शन आपको अच्छा लगा तो हिट द बेल आइकन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पे नए हो तो, बिकॉज आने वाली है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियोस. और अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है और ऑल का बटन प्रेस करना है. सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस लाइक यू ऑल ऑलवेज डू, जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते हो. सो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी.